टायरानोसोरस रेक्स, जिसे टायरेंट लिजार्ड का किंग भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 6 मीटर से भी अधिक, लंबाई 12 मीटर और वजन 7 टन से भी अधिक बताई जाती है। और तो और, इन्हें भोजन के तौर पर मांस खाना काफी पसंद है और ज्यादा मात्रा में भी। तो क्या इससे बचने के लिए आप छिप सकते हैं? क्या आप इसके रफ्तार को बीट कर सकते हैं? और क्या हो अगर आपका सामना एक टीरेक्स से हर रोज हो? क्या हम इन्हें दूसरे जीवों की तरह कैद करके रख पाएंगे? क्या हमारी गोलियां इन पर काम आएगी? और क्या हम इनका शिकार कर पाएंगे या इनका खुद ही शिकार हो जाएंगे? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाबों को इस एक वीडियो में। लगभग 6.5 करोड़ सालों पहले धरती पर एक काफी बड़ा एस्टेरॉयड, लगभग 15 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड धरती को हिट करके काफी तबाही मचाई थी। इसका प्रभाव इस तरह था जिसकी तुलना आप 70 लाख परमाणु बमों की जितना कर सकते हैं। इस एस्टेरॉयड के कारण धरती पर मौजूद कई पेड़ पौधे और जानवर विलुप्त हो गए। उन्हीं में से धरती पर रहने वाला सबसे शक्तिशाली शिकारी यानी टीरेक्स भी शामिल था। इसलिए वैज्ञानिकों के कई प्रयासों के बावजूद भी इसके त्वचा के रंगों का पता आज तक नहीं लगाया गया है, और इस बात का पता लगाने के लिए इंसान काफी उत्सुक भी है। पर क्या यही उत्सुकता हमारी तब होती जब आसमान से गिरे उस उल्का से टीरेक्स किसी तरह बच जाता और आज भी जंगलों पर उन्हीं का राज होता? और जंगल के राजा शेर को नहीं बल्कि टीरेक्स को कहा जाता। लेकिन क्या टीरेक्स का राज सिर्फ जंगलों तक सीमित होता, या उन्हें इंसानी का खून का स्वाद उसे शहरों और गांवों की ओर खींच लाती? शायद आज हमारी जो उत्सुकता उन्हें देखने की है वो खत्म होकर एक डर में बदल जाती, और इंसानी प्रजाति को बचाने के लिए हम खुद ही उन्हें नष्ट करने के कई रास्ते ढूंढते, या उन्हें कैद करने के लिए एक ऐसे पिंजरों का निर्माण करते जिसे तोड़ पाना टीरेक्स के लिए नामुमकिन होता। अगर आज टीरेक्स जिंदा होते तो उन्हें संकटग्रस्त प्राणियों में से एक की गिनती में रखा जाता, क्योंकि वो इस वातावरण प्रदूषण और इंसानों द्वारा भोजन के खपत के कारण उत्पन्न हुए फूड शॉर्टेज को झेल नहीं पाते। और हो सकता है कि वातावरण में इस बदलाव के कारण उनकी संख्या के साथ साथ उनके आकार में भी कमी हो जाती, और इस बात की भी संभावनाएं हैं कि टीरेक्स में आई कमी के कारण सरकार उनके लिए एक सेंचुरी या जुरासिक पार्क की तरह किसी पार्क का निर्माण करती। पर शायद ये पार्क का आकार थोड़ा और भी बड़ा होता, क्योंकि अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाता तो इंसानों के साथ साथ इन्हें भी इंसानों से उतना ही खतरा होता। जंगलों में रहने वाले टीरेक्स के मोटी चमड़ी के लिए शिकारी उन्हें मारने के लिए जंगल में जाते, पर अकेले ये इंसान नहीं कर पाता। लेकिन अगर अकेला टीरेक्स जंगल में आई भोजन के कमी के कारण इंसानी बस्तियों में घुस आते तो उसकी तबाही की कल्पना आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके फार्म में मौजूद जानवर उनसे सुरक्षित नहीं रहते, और ना ही आपकी घर की दीवारें आपको टीरेक्स के अटैक से बचा पाती। अगर आपके पास कोई बंदूक भी होती तो एक दो फायर से इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। अगर आप इनसे बचने के लिए भागते भी तो 200 मीटर से ज्यादा दूरी तक आप इनसे नहीं बच पाते। आपका छिपना भी इसके आगे बेकार हो जाता, क्योंकि इनके नजरों से कोई भी नहीं बच पाता। इसकी बाइट फोर्स के आगे आपकी कार किसी खिलौने के समान लगती, साथ ही मांस की स्मेल इसे कई किलोमीटर दूर से भी इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि एक टीरेक्स एक बाइट में ही 250 किलो मीट खा जाता, यानी एक शेर को ये एक बार में ही निगल जाते, तो इंसानों की इसके सामने क्या ही औकात होती। लेकिन टीरेक्स धरती से हम इंसानों को विलुप्त कभी नहीं कर पाता, क्योंकि इंसानों के पास एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से हम किसी का भी सामना कर सकते हैं, वो है हमारी बुद्धि। टीरेक्स के हमले से बचने और उन्हें मारने के लिए वैज्ञानिक ऐसे हथियारों के निर्माण में जुट जाते जिनके एक हमले से ही टीरेक्स को गिराया जा सके। उन्हें कैद करने के लिए ऐसी दीवारों का निर्माण किया जाता जिसे तोड़ पाना टीरेक्स के लिए नामुमकिन हो जाता। और अगर जंगल में रहने वाले टीरेक्स भी होते तो उनसे बचने के लिए सभी शहरों में ऐसे टास्क फोर्स का निर्माण किया जाता जिसकी ट्रेनिंग टीरेक्स को पकड़ने की होती। लेकिन क्या हम अकेले इस टीरेक्स से बच पाते हैं? इसे जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो लाइक करना ना भूलें।